Dear students, once again, I am here with you with session 3, Word Power Made Easy from the book Norman Lewis. प्यारे छात्रों, एक बार पुनः मैं आपके साथ हूँ session 3 के साथ, Word Power Made Easy. This is the book written by Norman Lewis. और आज हम लोग सीखने वाले हैं फिर से कुछ नए शब्द जो आपके वोकैब को और भी स्ट्रांग बनाएंगे और आप आसानी से इन शब्दों को सीख पाएंगे. तो आइए हम लोग देखते हैं. Let us see. सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रूट्स कौन कौन से हम लोग यूज करने वाले हैं. तो कुछ रूट्स यहां हैं. ईगो, जिसका मीनिंग है सेल्फ एंड आई. अल्टर मीन्स अदर. इंट्रो इनसाइड. एक्स्ट्रो आउटसाइड. एमबी मीन्स बोथ. मिसेन मीन्स हेट. एंथ्रोपोस मीन्स मैनकाइंड. गाइने मीन्स वुमन. गैमोस मैरिज. एस्केटिस मॉक. और भी कुछ रूट्स हैं. सेंट्रम मीन्स सेंटर. माइनिया मीन्स मैडनेस पागलपन. डेक्स्टर राइट हैंड. सिनिस्टर लेफ्ट हैंड. गॉशी लेफ्ट हैंड. एड्रॉइट और ड्रॉइट राइट हैंड. मोनोस वन बाय टू. पॉलीज मेनी. एंड्रोस मेल. तो आज हम लोग इन रूट्स की मदद से बनाने वाले हैं बहुत सारे वर्ड्स और सीखने वाले हैं जो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे. आइए हम लोग देखते हैं. सम सफिक्सेस, कुछ सफिक्स जो किसी भी वर्ड के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, आइए देखते हैं. लाइक आईएसटी इस्ट, ये नाउन सफिक्स होता है जिससे पता चलता है कि कोई पर्सन है, यानी हु कौन है वो. वाई नाउन सफिक्स लाइक कस्टम प्रैक्टिस. ओयूएस एडजेक्टिव सफिक्स है. ITY नाउन सफिक्स है जो क्वालिटी कंडीशन एट्सेट्रा को शो करता है. आइए हम लोग देखते हैं कि इनका यूज हम लोग कैसे करेंगे आगे. तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं वर्टो, जो कि एक रूट है जिसका मतलब है टर्न. तो अगर वर्टो है तो इसके पिछले वाले लेसन में आप लोग देख चुके होंगे कि वर्टो का यूज हम लोगों ने किया था, जिसमें से 3 वर्ड बन रहे हैं. इंट्रोवर्ट, यानी जब थॉट अंदर की ओर जाए तो वैसे व्यक्ति को हम लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं, यानी वह एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसकी सोच अंदर ही रह जाती है. वर्टो एक्स्ट्रोवर्ट, वर्टो से बना नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रो, यानी बाहर की ओर. तो एक्सटर्नल कह सकते हैं इसको, यानी बाहर की ओर जाती हुई सोच को हम लोग कहेंगे एक्स्ट्रोवर्ट. जिस व्यक्ति की सोच बाहर की ओर जाएगी, जो सब कुछ कह पाएगा एक्सप्रेस कर पाएगा, वो एक्स्ट्रोवर्ट कहलाएगा. एम्बीवर्ट, जो दोनों ही स्थिति में होता है, कुछ चीजें अंदर ही रह जाती हैं, कुछ बाहर भी कह पाता है. तो दिस इज द सिचुएशन व्हेन द पर्सन इज कॉल्ड एम्बीवर्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो दिस इज द रूट वर्टो एंड द मीनिंग ऑफ वर्टो इज टर्न. नाउ वी हैव नेक्स्ट डेक्स्टर. डेक्स्टर मीन्स राइट हैंड. इसका मतलब होता है स्किल्ड, यानी उसके पास वह कौशल है, उसके पास वह गुण है. सो डेक्स्टर से बनने वाले वर्ड्स जो हैं वो है डेक्स्ट्रस, यानी निपुण. डेक्स्टरिटी निपुणता. एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी अगर वो दोनों हाथों से अगर कोई काम कर पाता है तो उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे. राइट, यानी राइट हैंड की तरह ही लेफ्ट हैंड को भी जो यूज कर पाएगा उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे. राइट, सो वी हैव गॉट 3 न्यू वर्ड्स, डेक्स्ट्रस, डेक्स्टरिटी, एम्बीडेक्स्ट्रस. राइट, सिनिस्टर. सिनिस्टर जिसको लैटिन में हम लोग लेफ्ट हैंड कहते हैं. अनस्किल्ड, यानी कि वह लेफ्ट हैंड की तरह काम कर पाएगा, जैसे कि आप बाएं हाथ से सारे काम नहीं कर पाते हैं. लेकिन इंग्लिश में इसके मीनिंग बदल जाते हैं. सिनिस्टर को हम लोग डेंजरस भी कहते हैं. इविल, बुराई के सेंस में लेते हैं. थ्रेटनिंग, थोड़ा डरावना भी हो सकता है, अलार्मिंग हो सकता है. सो सिनिस्टर हैज 2 मीनिंग्स हियर, लेफ्ट हैंड इन लैटिन, बट इन इंग्लिश वी हैव 3 मीनिंग्स लाइक डेंजरस, evil and threatening. Now we have gauche, जिसे French language में left hand कहते हैं. Once again, जिसको unskilled कहा जाता है, लेकिन English में gauche का मतलब होता है clumsy, जो कि बहुत skilled नहीं हो. awkward, थोड़ा अजीब type का व्यवहार करने वाला या awkward situation. tactless, जिसके अंदर skill की कमी है, थोड़ा कम ज्ञान रखता हो, जो चीजों को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता हो. So that is called gauche. Now we have droit. In French language, this is right hand and its meaning is skilled. और English में droit जो होता है
वो एड्रॉइट बनता है इससे, जिसका मतलब होता है स्किल्ड, डेक्स्ट्रस एंड टैक्टफुल, यानी यह गुणों से भरा हुआ होता है, वो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकता है, वह डेक्स्ट्रस होता है, टैक्टफुल है, उसकी सोच, उसके करने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है, वह टैक्टफुल होता है, इनसाइटफुल होता है, राइट। सो वी हैव एड्रॉइट एंड द वर्ड इज एड्रॉइट, इट मीन्स राइट हैंड ऑल्सो, एंड द पर्सन हु इज एड्रॉइट मीन्स ही इज स्किल्ड, उसके पास कौशल है, वह सारे कामों को ठीक से कर सकता है। नाउ वी हैव मिसेन, इससे हम लोग वर्ड पहले भी बना चुके हैं, लेकिन यहां जो वर्ड्स हमारे सामने हैं वो है हेट से इसका अर्थ निकलता है, यानी मिसेन मीन्स टू हेट, नफरत करना। मिसेन से बने हुए तीन वर्ड्स हम लोग देख रहे हैं, मिस एंथ्रोप, हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्य से नफरत करता हो, मिसोजेनिस्ट, जैसे कहेंगे कि हेटर ऑफ वुमेन, यानी स्त्रियों से नफरत करने वाला, मिसोगेमिस्ट, हेटर ऑफ मैरिज, यानी शादी से नफरत करने वाला। मिसेन का अर्थ है टू हेट, तो जिस रूट के साथ इसे हम जोड़ेंगे वो मीनिंग देगा टू हेट का, जो कि उस चीज से नफरत करेगा। लाइक वी हैव थ्री एग्जांपल्स, लाइक मिसेंथ्रोप, मिसोजेनिस्ट एंड मिसोगेमिस्ट। नाउ वी हैव फिले, मीन्स फॉन्डनेस, यानी पसंद करना, ठीक है, चाहत होना किस चीज के लिए, फेवर यानी सपोर्ट करने वाला, रिस्पेक्ट आदर देने वाला, लोगोस मीन्स साइंस। तो फिले और लोगोस से बने हुए शब्द कौन कौन से हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट, लवर ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी, साइंस ऑफ ह्यूमन ऑरिजिन, गायनेकोलॉजी, साइंस ऑफ वुमेन ट्रीटमेंट, इसे आप लोग जिनेकोलॉजी भी पढ़ते हैं, ठीक है। सो जनरली इसका यूज गायनेकोलॉजी के रूप में भी हम लोग करते हैं, राइट। सो वी हैव थ्री वर्ड्स, फिलेंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी, गायनेकोलॉजी, राइट। नाउ वी हैव गैमोस, मीन्स मैरिज। सो वी हैव थ्री बेसिक रूट्स, मोनो मीन्स सिंगल, बाय मीन्स टू, पॉली मीन्स मोर देन टू, यानी मोनो मीन्स एक, बाय मीन्स दो, और पॉली मीन्स दो से ज्यादा। तो अगर हम वर्ड्स बनाते हैं इसे तो बनते हैं मोनोगेमी, यानी सिंगल मैरिज, बायगेमी, टू मैरिजेस, पॉलीगेमी, मेनी मैरिजेस, राइट। सो वी हैव थ्री एग्जाम्पल्स हियर, मोनोगेमी, बायगेमी, पॉलीगेमी। आई होप यू गॉट इट। नाउ वी हैव नेक्स्ट रूट, एंड्रोस मीन्स मेल। अब इन्हीं तीनों रूट से हम लोग बनाते हैं, मोनो, सिंगल, बाय, टू, पॉली मीन्स मोर देन टू। मोनो एंड्री, सिंगल हस्बैंड, बाय एंड्री, टू हस्बैंड्स, पॉली एंड्री, मेनी हस्बैंड्स। सो इट्स वेरी इजी, राइट। नाउ गायने, फीमेल और वुमन। अब इन्हीं तीनों रूट से हम लोग बनाते हैं, मोनोजेनिस्ट, सिंगल वाइफ, बायजेनिस्ट, टू वाइव्स, पॉलीजेनिस्ट, मेनी वाइव्स। इट मीन्स अ पर्सन हु हैज सिंगल वाइफ, ही विल बी कॉल्ड मोनोजेनिस्ट, जिसकी दो पत्नियां होंगी, ही विल बी कॉल्ड बायजेनिस्ट, एंड द पर्सन हैविंग मोर देन टू वाइव्स, लाइक राजा दशरथ, और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, पॉलीजेनिस्ट, राइट, मेनी वाइव्स। नाउ वी हैव द नेक्स्ट रूट, एस्केटिस मीन्स मॉन्क और सेंट, जो वर्ल्डली प्रेजर से दूर रहता है, एस्केटिस, एसेटिसिज्म, लोनली ऑस्टियर लाइफ, इस तरह का व्यवहार जो कि अकेला रहता है और तपस्या वाली जिंदगी जीता है, एसेटिक, हैविंग ऑस्टियर वे, ऐसा पर्सन जो कि ऑस्टियर वे फॉलो करता है, लाइक मंक, लाइक साधु सन्यासी, तो ऐसे लोगों को हम लोग एसेटिक कहते हैं, राइट। सो वी हैव एस्केट्स। नाउ वी हैव द वर्ड्स वी मे नो, हम लोग कौन कौन से वर्ड्स जान सकते हैं जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है, एम्बिडेक्स्ट्रस, यानी जो दोनों हाथों का प्रयोग राइट हैंड की तरह कर सकता है, एम्बिडेक्स्ट्रिटी, ठीक है, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब है स्किल्ड पर्सन, डेक्स्ट्रिटी इससे बना हुआ वर्ड है, सिनिस्टर, लेफ्ट हैंड, गौशी इसका मतलब भी लेफ्ट हैंड, गौशरी, एड्रॉइट यानी राइट हैंड, एड्रॉइटनेस इट मीन्स दिस इज अ नाउन,
एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र, राइट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट द पर्सन हु रीड्स और हु इज द साइंटिस्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और द प्रैक्टिशनर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजिकल इट मीन्स रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी। फिलंथ्रोपिस्ट इट मीन्स द पर्सन हु लव्स ह्यूमन बींग्स। फिलंथ्रोपी इट मीन्स दिस इज द वे ऑफ लविंग द ह्यूमन पीपल। फिलंथ्रोपिक रिलेटेड टू गायनेकोलॉजिस्ट द डॉक्टर हु ट्रीट्स सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द वेमेन और वेमेन प्रॉब्लम्स। गायनेकोलॉजी दिस इज द साइंस ऑफ वुमेन ट्रीटमेंट। गायनेकोलॉजिकल रिलेटेड टू गायनेकोलॉजी, राइट। मोनोगेमिस्ट द पर्सन हु हैज वन मैरिज। मोनोगैमी दिस इज द वे ऑफ सिंगल मैरिज, यानी एक विवाह, एकल विवाह। मोनोगैमस द पर्सन हु हैज सिंगल मैरिज। बाइगेमिस्ट इट मीन्स टू मैरिजेस। बाइगेमी वे ऑफ टू मैरिजेस। बाइगेमस द पर्सन हु हैज टू मैरिजेस। पॉलीगेमिस्ट द पर्सन हु हैज मोर देन टू मैरिजेस, राइट। पॉलीगेमी पॉलीगेमस। पॉलीजेनिस्ट पॉलीजेनिस्ट मीन्स द पर्सन हैविंग मोर देन टू वाइव्स, राइट। पॉलीजेनी दिस इज द वे। पॉलीजेनस पॉलीएंड्रिस्ट द पर्सन हैविंग मोर देन टू हस्बेंड्स, राइट। इट मीन्स द लेडी हैविंग मोर देन टू हस्बेंड। पॉलीएंड्री दिस इज द वे ऑफ हैविंग मोर देन टू हस्बेंड्स। पॉलीएंड्रस मिसएंथ्रोपिस्ट अ पर्सन हु हेट्स ह्यूमन बींग्स। मिसएंथ्रोपी मिसएंथ्रोपिक। मिसोजेनी दिस मीन्स हेटर ऑफ वुमन। मिसोजेनियस मिसोजेनिस्टिक। मिसोगेमी अ पर्सन हु हेट्स मैरिजेस। मिसोगेमस एसेटिसिज्म इट मीन्स द वे और द प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग द एसेटिक वे, यानी जो साधु संन्यासी वाली जिंदगी जीते हैं और ऐसे लाइफ को फॉलो करते हैं, तो ये जो सिद्धांत होगा दैट इज कॉल्ड एसेटिसिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दीज 42 वर्ड्स एंड दिस इज रियली अ वेरी बिग लिस्ट ऑफ वर्ड्स। सो यू कैन लर्न सो मेनी वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ दीज रूट्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। नाउ यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन टेक द क्विज। सो थैंक्स अ लॉट अगेन। Have a good day. Bye-bye.